सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड डुमरियागंज का निरीक्षण करने पहुंचे मंडलायुक्त अनिल कुमार सागर। वहीं आपको बता दें कि विकासखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कमियां मिली जिसमें सुधार लाने के लिए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। जीटीएफ पासबुक का कंप्लीट होना, सबकी सर्विस को कंप्लीट होना, कार्यालय का निरीक्षण प्रॉपरली सीनियर अधिकारियों द्वारा किया जाना, भ्रमण पुस्तिका मेंटेन किया जाना, ग्रांट रजिस्टर मेंटेन किया जाना, इसके अलावा जितनी भी शासन द्वारा स्कीम्स चल रही हैं वो ये देखना कि उनकी क्या प्रोग्रेस है, वही देखा गया था। ये पाया गया कि इस कार्यालय का निरीक्षण पहले जिला विकास अधिकारी द्वारा कुछ दिनों पहले किया गया था और काफ़ी विस्तृत निरीक्षण किया गया है। इसकी मॉनिटरिंग अगर प्रॉपरली की जाए तो कार्यालय ठीक से संचालित हो सकता है। इसके अलावा जो मुख्य कार्यक्रम है यहाँ के, जैसे जो शासन ने निर्धारित किए हैं कि गौआश्रय स्थलों का संचालन ठीक से हो, ये बताया गया कि यहाँ पर दो ऑलरेडी चल रहे हैं और एक और संचालित हो जाएगा। दो जो गौआश्रय स्थल हैं उसमें 60 पशु कुल रखे गए हैं जिनके लिए पर्याप्त धनराशि अभी खंड विकास कार्यालय पर है। इसके अलावा जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और कन्या सुमंगला योजना है, इसके लिए कई फॉर्म्स आए हैं जिसमें से 90% फॉर्म्स फॉरवर्ड किए जा चुके हैं ब्लॉक द्वारा। अभी करीब 10% फॉर्म्स बाकी हैं जिसमें मुख्य तौर पर वृद्धावस्था पेंशन है जिसमें 275 फॉर्म अभी भी लंबित हैं फॉरवर्ड होने को। ये निर्देश दिए गए हैं कि इनको भी जल्दी फॉरवर्ड कर दिया जाए। इसके अलावा जो GPDP बन रही थी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो बन रहा है, इसमें ये बताया गया कि सभी गाँव में मीटिंग हो चुकी है, सबसे प्लान मांगे गए हैं जो प्राप्त हो रहे हैं। सभी गाँव में जो डिजिटल सर्टिफिकेट थे वो इनिशिएट हो चुके हैं और अब जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के डिजिटल सर्टिफिकेट इनिशिएशन होना था डे बुक क्लोज होने की, उसकी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य तौर पर ये प्रोग्राम सर, ये जो दुग्ध औषधन केंद्र बिल्डिंग का उपयोग किसी और कार्य के लिए किया जाए उसमें नहीं किया जाए। बस्ती मंडल में कुल लक्ष्य भुगतान पूरा हो रहा है था, उसमें ये पाया गया, एक तो कई इक्विपमेंट थे जो रख रखाव के अभाव में उनको थोड़ा और मेंटेनेंस होना है। इसके अलावा जो CHC है उसमें साफ सफाई की अत्यंत आवश्यकता है। ये बताया गया था कि वहाँ पर केवल एक सफाई कर्मी है जो उस पूरे परिसर की सफाई कर रहा है। जो टेंडर जिसको मिला है वो नहीं आया है।